तैयारी चल रही है, कैसे आपने चुनाव लड़ने का फैसला लिया? जनता के कहने पर हम चुनाव लड़ने का तैयारी किए। जनता हमको बोली कि सरोज जी, आप 20-22 साल से जनता का सेवा कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं चुनाव लड़ जा रहे हैं? तो आज के पहले जनवरी फरवरी से हम ही कैंडिडेट अपने को, माने जनता हमको बनाई थी, लेकिन 5-7 दिन पहले सरकार का निर्णय आया कि नहीं, महिला सीट हो गया, तो मैंने अपनी वाइफ को उप महापौर की प्रत्याशी। क्या विकास का मुद्दा? विकास का मुद्दा बहुत सारा है। विकास आपका आ रहा है, हुआ कहाँ है ये बताइए। रोड चौड़ीकरण है, नाली रोड का सफाई है, स्वास्थ्य कार्ड है, आवास योजना है। अभी देखिए नया पे बहुत लोग का राशन से नाम कट गया है, बहुत गरीब का। सबसे फर्स्ट प्राथमिकता हमारा यही है कि शिविर लगा के राशन कार्ड सभी गरीब को बनवा दिया जाए। और स्वास्थ्य कार्ड बहुत जरूरी है। देखिए, किसी गरीब को तबीयत खराब हो जाएगा तो कोई गरीब को 2 वक्त का खाना खाने में सोचना है, वो अपना इलाज कहाँ से करेंगे? जब सरकार का योजना है कि 5 लाख रुपया हर एक गरीब को स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाए, तो क्यों नहीं बनाया गया? हम शिविर लगा के ये सब काम करेंगे। 2000 करोड़ का बजट है नगर निगम का, सब घोटाले में चल जाता है, उस पर क्या करेंगे आप? अंकुश लगाएंगे। जितना भ्रष्टाचार हुआ है, आप लोग तो मीडिया भाई जान रहे हैं कि हर एक वार्ड में कोई वार्ड में 2, कोई वार्ड में 3, कोई वार्ड में 5, करोड़ों करोड़ का घोटाला बिना काम किया गया है, उस पर हम अंकुश लगाएंगे। पूरा अंदर तक जड़ मजबूत हो गया, जड़ मजबूत हो गया, तो जड़ को कवारने के लिए हम लोग समाज सेवी हैं, समाज के साथ जनता के साथ मिल के हम लोग उस जड़ को कवार देंगे। जनसंपर्क आप चला रहे हैं जी, नॉमिनेशन वगैरह कब आपको करना है? नॉमिनेशन हम 22 तारीख को स्टेट बैंक मेन ब्रांच कतिरा से, नारायणी उत्सव भवन है, वहाँ से नॉमिनेशन हम अपना। सब लोग से क्या अपील करेंगे नॉमिनेशन के लिए? सभी जनता से हमारा अपील है, हाथ जोड़ के नव निवेदन है कि आप लोग मेरे नॉमिनेशन में आके हम अपने बहू और बेटी को उत्साह बढ़ाएं और आशीर्वाद दें, यही मेरी जनता से अपील है। ठीक है, बोलिए। मैं पूनम देवी, महापौर कैसी हूँ। कब नॉमिनेशन कर रही हैं पूनम जी आप? 22 तारीख को। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? पहली बार चुनाव में खड़ी हुई हैं, हाउस वाइफ हैं आप, तो क्या अपील करेंगी जनता जनार्दन से? सभी को अपने नॉमिनेशन में आमंत्रित करती हूँ। Check the mic and make sure it sound right, boys. चाय की दुनिया में शिव शक्ति परिवार 1965 से लाखों ग्राहकों की चाय से बेहतरीन सेवा करता आ रहा है। हमारे आपके लिए खास है, ये चाय नहीं एहसास है। पीजिए खुशी से, पिलाइए खुशी से। बंगाल गोल्ड चाय।